नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज। आज सिवान में सिवान के मालवीय कहे जाने वाले दाढ़ी बाबा की जयंती मनाई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि सिवान में दाढ़ी बाबा की जयंती 138वीं जयंती मनाई जा रही है और ये सिवान के मालवीय कहे जाते हैं। हम नमन करते हैं इस खास पुरुष को जिन्होंने सिवान में शिक्षा की अलग जगाई थी और अपनी पूरी संपत्ति, जितनी भी इनकी संपत्ति थी, इन्होंने सिवान के लोगों के लिए दान कर दी थी, क्योंकि यहाँ शिक्षा जरूरी थी। इन्हीं के दिए गए दान में बहुत सारे संस्थाएं खुली हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, डीएवी पाठशाला, दलितों द्वार पाठशाला, आर्य कन्या विद्यालय, डीएवी मिडिल स्कूल, डीएवी हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज, डीएवी आर्य कन्या उच्च विद्यालय, सेवा समिति, आर्य जनता, सारे जितने भी संस्थाएं हैं इन्हीं के द्वारा दिए गए जमीन पे आसित है। और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं सिवान जदयू के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल। इनसे जानते हैं कि इस खास महापुरुष के आप जन्म दिवस पे यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने ये महापुरुष, जो एक कहा जाए तो सेकंड मालवीय जी के सिवान के रूप में ये काम किए हैं और शिक्षा जगत में इन्होंने एक क्रांति लाया है। और आपके द्वारा बताया गया जो इतने विद्यालय, महाविद्यालय का इन्होंने अपने जमीन में स्थापना किया है, यह अनुसरण करने वाला बात है। और ये अनुसरण करने वाली बात है। और ऐसे महापुरुष जो आज संपत्ति को लेकर लड़ाई किया करते हैं, लेकिन इन्होंने संपत्ति नहीं बल्कि लोगों के विकास के लिए काम किया और शिक्षा के जगत में यहाँ काम किया है। हमारे साथ आर्य समाज मंदिर के मंत्री हैं संजीव जी। इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम को हम प्रत्येक साल करवाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उपेक्षापूर्ण नीति देखी जाती है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। आखिर क्या कारण है कि सरकार और प्रशासन इस जयंती को इनको नमन नहीं कर पाती? बहुत खेद का विषय है कि जिला प्रशासन अनेकों महापुरुषों की जयंती में अपनी संलिप्तता रखता है, लेकिन दाढ़ी बाबा, जो कि अभी आपने बताया, इनकी जितनी गुणगान की जाए कम है। सिवान में जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनके संस्थापक रहे हैं, सिवान के मालवीय कहे जाते हैं, शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य का विषय है, यह इनको उपेक्षित किया जाता रहा है। क्योंकि आर्य समाज प्रत्येक वर्ष हम अपने कर्तव्य जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए पूरे हर्षोल्लास से कार्यक्रम ये मनाते हैं, मनाते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आर्य समाज कमेटी ने निर्णय लिया है, हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। इस डीएवी कॉलेज मोड़ का नाम, जो ऑफिशियली अभी कोई मोड़ का नाम नहीं है, इसका दाढ़ी बाबा चौक होना चाहिए। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सभी लोगों का सहयोग आर्य समाज को प्राप्त होगा और यह एक चौक दाढ़ी बाबा के नाम, दाढ़ी बाबा चौक के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छी एक मांग है। और दाढ़ी बाबा चूंकि बिहार सिवान के लिए मालवीय में कहे जाते हैं और इन्होंने अपनी बेशकीमती जमीन यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के लिए दान कर दी थी। और हमारे साथ एक खास व्यक्ति और हैं, बताइए क्या कहेंगे? दाढ़ी बाबा के बारे में तो बहुत लोग कुछ कह गए। ये बात है कि इन्होंने भी एमिची हाई स्कूल के हेडमास्टर से इस्तीफा दे करके इस काम में लगे, ये बहुत मने सराहनीय बात है जो मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता। हाँ, प्रत्येक वर्ष दाढ़ी बाबा की जयंती मनाई जाती है और हम लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन बड़ा ही दुख होता है कि जो दाढ़ी बाबा सिवान के लिए शिक्षा का ये जगत में इतना कुछ किया, उनके जयंती को लोग भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा से जुड़े सारे लोगों को आज यहाँ उपस्थित होना चाहिए और सिवान के जो समाज सेवी हैं, जागरूक लोग हैं, उन्हें भी आज मिलकर इनकी जयंती मनानी चाहिए। और ये सिवान में शिक्षा के जगत में एक क्रांतिकारी भूमिका अपनी लाए हैं, ताकि हमारे बच्चे शिक्षा के जगत से जुड़ के सिवान का नाम करें और आज के दिन इन्हें लोग भूल गए हैं, ये बड़ा ही शर्म की बात है। बिल्कुल, इनके लिए कोई शब्द नहीं है, जो शिक्षा के लिए अलग जगाता हो उनके लिए शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अनुभूतियों में है। और हम नमन करते हैं उस खास व्यक्ति को जिन्होंने आज शिक्षा के नाम पर सिवान में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है।
तो ऐसे लोगों को हर साल नमन करना चाहिए। और हम यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे महापुरुष की जयंती हर साल मननी चाहिए।